हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स साइंस क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन, कौन सा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे सबसे पहले चैप्टर का नेम ही क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले तो हमें क्या बताना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज कुछ भी हो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कोई ना कोई मास है तो वो क्या है, मैटर है। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ये इसका कोई ना कोई मास भी, तो ये क्या है, एक मैटर है, ठीक है। मैं हूं एक मैटर हूं, डस्ट है ये एक मैटर है। तो एनीथिंग कुछ भी हो जो कुछ ना कुछ हो जिसका कुछ ना कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या है, मैटर है। तब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मैटर है क्या नहीं, जैसे हमारी परछाई हो गई वो कोई उसका वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ऐसे और एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो जैसे डेफिनेशन है क्या, मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या ऐसे सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस जगह ले रहे हैं, तो वो क्या है, मैटर है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे एक ये मैटर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मीडियम पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसकी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होता है इसमें, जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या है, एक तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, क्या है, टिनी पार्टिकल्स, टिनी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो वही लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल और बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। सेकंड आ गया, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, और जो क्या है, पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं और जो मूवमेंट है वो मिनिमम होती है, मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, क्या है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो, जैसे कोई सॉलिड चीज है उसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, बहुत कम होती है, लेकिन अगर गैस, जैसे यहाँ पे गैस है, एयर है, ठीक है, इसमें जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की बहुत फास्ट होगी, बहुत मैक्सिमम होती है। वैसे नेक्स्ट आ जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ये नहीं है कि बिल्कुल साथ साथ में हो ऐसे, ठीक है, जैसे ये क्यूब रहे, ये क्यूब रहे, कुछ ना कुछ उसमें, जैसे ये होगी ऐसी स्पेस होगी, ये गैस में होगी, लिक्विड में थोड़ी सी कम हो जाएगी, सॉलिड में बिल्कुल कम हो जाएगी स्पेस, जो पार्टिकल है एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल थोड़ी कोई ना कोई स्पेस जरूर होती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तो वैसे इसकी सेम ही है, मिनिमम होती है जो स्पेस है, जो मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स है जैसे ये दो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल अट्रैक्शन है जो वो मैक्सिमम होती है, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में मैक्सिमम कैसे होगी, क्योंकि बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, क्या है, जो मूविंग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे मिनिमम सॉलिड है और जो स्पेस है वो सॉलिड में कम होती है, तो बिल्कुल साथ साथ में बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है एंड जो मिनिमम है वो किसमें हो जाएगी, गैसेस, गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, जो अट्रैक्शन है मिनिमम इन गैसेस और इंटरमीडिएट हो जाएगी, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज जो मैटर है, मैटर क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड
कुछ ना कुछ उसका मास हो, वो क्या है, मैटर है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है ये, ठीक है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एक तो जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, एक ये लगातार मूव करते रहते हैं, मोमेंटम मिनिमम होती है सॉलिड में, मैक्सिमम होती है गैसेज में, ठीक है। एक स्पीड में कुछ ना कुछ गैप होता है, स्पेस होती है, वो स्पेस भी मिनिमम होती है सॉलिड में और मैक्सिमम होती है गैसेज में, ठीक है। और थोड़ा सा क्या था हमारा, एक दूसरे के जो पार्टिकल्स है अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन है जो मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है गैसेज में, ठीक है। इंटरमीडिएट चलती है लिक्विड में, इसका स्क्रीन शॉट ले लो अच्छे से, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम, जैसे अब हमने पढ़ तो लिया कि ये सॉलिड में मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है लिक्विड में, गैसेज में, लेकिन सॉलिड लिक्विड और गैसेज क्या है, पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन आ जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा इसमें, इसमें इसमें मेनली थ्री टाइप्स हैं, इसकी कौन कौन सी, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। वैसे अभी दो स्टेट है जो इसकी और ऐड हुई, जैसे एक तो प्लाज्मा होगी और एक तो बोस आइंस्टाइन, ठीक है। लेकिन वो हमें भी नाइन्थ में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें नाइन्थ तक हम यही पढ़ना है कि सॉलिड्स है, लिक्विड्स है और गैसेस है। तो एक तो मैंने क्या कहा था, सॉलिड क्या है, पहले इनकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सॉलिड क्या है, जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, सॉलिड है, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, वो क्या है, सॉलिड है, ये डस्टर है, क्या है, सॉलिड है, ठीक है। एक इसका जैसे इसकी कोई भी एग्जांपल लिख दो, ठीक है, जैसे हमने पेन लिख दिया, लिक्विड, लिक्विड की क्या आ जाएगी, जैसे हम यूज करते हैं वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लिक्विड है, वाटर हो गया, गैसेज कौन सी होगी, हमारी एयर होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी सारी, तो ये होगी। और पहले इसकी आपने डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या है सॉलिड की डेफिनेशन, क्या है इसका कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, इसका जितना मास यहाँ पे या रिजान में उतना मास है, तो इसमें भी उतना ही रहेगा, जितनी स्पेस के एयर है उतनी ही रहेगा, जितना इसमें काम हो, इसमें जैसे इसका बेटा कुछ ग्राम है, ठीक है, तो इसमें काम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, तो वो क्या है, सॉलिड हो गया हमारे पास, क्या have having definite volume and solid having definite volume and जैसे डेफिनेट स्पेस हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये देख लो। तो लिक्विड्स में क्या है, वॉल्यूम, जैसे इसकी क्या है कि लिक्विड है, जैसे वाटर है, हम बाहर से या मिल्क वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, एक लीटर मिल्क लेके आए, जब जब हम घर पे लाएंगे वो तो एक ही रहेगा, ये तो नहीं है कि हम अगर उसको आगे घर में किसी और बर्तन में डाल देंगे तो वो आधा किलो रह जाएगा या दो किलो हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट स्पेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट स्पेस। तो वैसे ही गैसेस में क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, दोनों ही वॉल्यूम भी इनडेफिनेट हो जाएगा और ठीक है। तो ना तो इसकी जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट स्पेस, ठीक है, या डेफिनेट स्पेस की जगह हम शेप लिख देंगे, ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेट स्पेस स्पेस की जगह शेप लिख देंगे। वैसे इसमें क्या है, इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप,
इंडेफिनिट, जैसे लिक्विड में इंडेफिनिट शेप लिखा है, इंडेफिनिट शेप का मतलब क्या है, जैसे हम एक ग्लास में कोई वाटर पानी लिया तो ग्लास में उसकी शेप ले लेगा, तो उसी ग्लास वाले वाटर को हम किसी और बर्तन में जैसे कुछ किसी बड़े बर्तन में डाल देंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो ये क्या है, जैसा बर्तन है उसी की शेप ले लेता है, तो इंडेफिनिट शेप है। वैसे ही इसमें है वॉल्यूम क्या है इसका, इंडेफिनिट है, ठीक है, और शेप भी क्या है इसकी, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट शेप का मतलब कैसे होगा, जैसे इसको हम कंप्रेस करके कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड आ जाएगा, तो ये हो गया इसकी मेन डेफिनेशन। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, एक तो हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, ये होता है इनकंप्रेसिबल होता है, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं कितना प्रेस करी होंगे तो उसी शेप का रहेगा, इसके हम कंप्रेस करके चेंज नहीं कर सकते, तो ये इनकंप्रेसिबल है। और ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। और ये क्या होती होगी, अब इंटरमीडिएट होगी, हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इनकंप्रेसिबल सॉलिड को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगी, इनकंप्रेसिबल है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इनडेफिनेट शेप है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और ये हाईली कंप्रेसिबल है। हाईली कंप्रेसिबल कैसे हो गया जी, हाईली कंप्रेसिबल का मतलब जैसे हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, वो कितनी गैस होती है, वो छोटे इतने सिलेंडर में फिल हो जाती है, तो वो क्या होता है, उसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है। तो यही हो गया इसका, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो हमें इसको एक तो ये अभी पर क्या पढ़ा हमने कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। तीन पार्टिकल से बना था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, स्पेस होती है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं, कोई भी सॉलिड चीज है वो सॉलिड होगी, जैसे उसकी अट्रैक्शन है जो, और सॉलिड में हमने जैसे पहले पॉइंट पढ़ा था कौन सा अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देंगे, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इसमें इंटरमीडिएट और इसमें मिनिमम होती है, बाकी पहले वाले पॉइंट लिख देंगे। इसमें इसमें स्पेस है जो बिल्कुल कम होगा या बहुत ज्यादा होती है, इसमें इंटरमीडिएट स्पेस होती है, इसमें बिल्कुल कम होती है। वैसे ही कितने मर्जी पॉइंट लिखते रहना, इसके काफी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड जैसे किसकी पर क्लासिफिकेशन है, ये मैटर की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर किसमें करते हैं, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर स्केल कौन कौन से होते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस में हो गया, एक केल्विन में हो गया, एक डिग्री फारेनहाइट में हो गया। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के, मतलब क्या है इसका, प्लस कर देंगे इसमें 273 केल्विन। जैसे हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कोई भी ले लो, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन करना, ठीक है। किसको करना है, 14 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है कन्वर्ट, हमें क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा है कि 273 में प्लस हो जाएंगे, तो केल्विन में 14 डिग्री प्लस 273 कितना हो जाएगा, कितने हो गए जी, 87287। तो वो कितने हो गया जी, 287 केल्विन में हो गया, ठीक है। तो अगर इसी को हमने, अगर मान लो हमारे पास केल्विन दिया होता, जैसे 298 केल्विन है, 298 केल्विन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे मैट प्लस हुई थी, इसी में से अगर इसको दूसरी साइड ले लिया जाए, दोनों मैट में पता ही है कि जो इक्वल टू में उसका होता प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे किसका हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, किसका हो जाता है जी, माइनस का।
तो इसमें क्या हो जाएगा 298 माइनस कितना हो जाएगा 273 कितना हो जाएगा जी 273 माइनस करके 5210 कितना रह जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है तो याद याद रखना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 273 प्लस हो जाएगा, केल्विन को सेल्सियस में करना है 273 किससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है अभी एक बार बात करो अपना एक दो क्वेश्चन करके देखना, जैसे 318 केल्विन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है तो डिग्री फारेनहाइट में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी के दो तीन क्वेश्चन करना आप, जैसे एक कर लेना 38 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है तो हमारी जैसे एक क्वेश्चन बारवा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी का जो है कितना होता है टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखना, डिग्री फारेनहाइट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अभी तक ये बिल्कुल जल्दी सा टॉपिक था कि मैटर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक में होता क्या है कि स्पेस किसमें ज्यादा होती है सॉलिड में लिक्विड में, उसकी क्लासिफिकेशन होगी सॉलिड लिक्विड और गैसेस पे, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, केल्विन को कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में। आज तक के लिए इतना ही पढ़ना आप अच्छे से, इसका टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट है जो वो सॉल्व करेंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है जी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना जितना अच्छे से ध्यान से वीडियो देखोगे। ठीक है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक साथ साथ में वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक करें। ठीक है थैंक यू।